अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हैं हिबिस्कस फ्लावर की। और पहले जो मैंने स्केच जो है वो बना लिया है, उसके बाद जो है मैंने पेंटिंग करनी शुरू कर दी है। वैसे हिबिस्कस फ्लावर जो है वो काफ़ी सारे कलर्स में होता है, लेकिन हम जो है यूजली जो है हमें देखने में ज़्यादा आता है वो रेड जो कलर होता है, थोड़ा शॉकिंग पिंक टाइप का, इस तरह का कलर जो है वो ज़्यादा हमें आता है नज़र में। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लैक कलर के कपड़े में इसे बनाती हूँ। अच्छा, ब्लैक कलर के कपड़े में जब हम डार्क कलर की ही पेंटिंग करते हैं तो वो जो है थोड़ा उठता नहीं है, पॉमिनेंट नहीं हो रहा होता है। तो मुझे जो है इसकी कोटिंग जो है तीन बार करनी पड़ी थी। पहली कोटिंग की जब मैंने, तो उसके बाद जब ये ड्राई हुआ तो मुझे जो है अपना हिबिस्कस फ्लावर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। खैर, फिर मेरा फ्लावर जो है वो मुझे तीन कोडिंग के बाद अपना पर्मानेंट सा लगने लगा। और फिर उसके बाद जो मैंने उसमें जब येलो कलर ऐड किया इसकी शेडिंग के लिए, तो तब ये मुझे लगा कि हाँ यार, ये फाइनली मेरा हिबिस्कस फ्लावर जो है वो अब वो नज़र आ रहा है। और इसमें जो है हम रेड कलर, मुझे काफ़ी मुझे इसको करने में स्प्रे फ्लावर को जो है 1 आवर तो लग गया था, क्योंकि इसकी शेडिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है हमें बहुत ही आराम आराम से करनी पड़ रही थी। हिबिस्कस फ्लावर जो है ये हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। कुर्तों के जो फ्रंट का हिस्सा होता है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल जो है आप थोड़े बड़े बड़े भी बना सकते हैं, छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप को आपका मूड क्या है, क्या आप छोटे फ्लावर्स चाह रहे हैं अपने कपड़ों पर या बड़े चाह रहे हैं। कपड़ों पर यूजली जो है फ्लावर्स जो है वो छोटे छोटे ही बना रहे होते हैं ताकि जो है वो प्यारे लगें, क्यूट क्यूट से लगे। और बड़े फ्लावर्स जो है हम यूजली पिलो कवर्स या कुशन कवर्स वगैरह में ही, या हमें डाइनिंग का अगर कोई कवर जो है उसमें पेंटिंग करनी हो तो उन सबों के लिए हमें जो है बड़े फ्लावर्स जो है बड़ी स्केचिंग करके और फिर हम उसमें पेंटिंग करते हैं। लेकिन जो छोटे फ्लावर्स हम यूजली जो अपने शर्ट्स वगैरह, बच्चों के शर्ट्स वगैरह हो गए, या हम अपनी टी शर्ट्स वगैरह में हिबिस्कस फ्लावर जो है शर्ट्स वगैरह भी बहुत प्यारे लगते हैं। टी शर्ट फ्लावर के मिड में जो है मैंने ब्लैक कलर से ब्लैक पेंट से जो है वो शेडिंग की है, और ताकि हमारा जो फ्लावर है वो थोड़ा सा 3D लुक दे। और उसके बाद जो है मैं येलो कलर से इसका जो पेटल जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसको मैं थोड़ा सा 3D लुक दे रही हूँ। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और जब स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि यार, ब्लैक कलर में कहीं ये मुझे जो फ्लावर है वो अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि ब्लैक कलर में मैं जो हूँ एक्सपेरिमेंट इतना करती नहीं हूँ। सो मैंने कहा नहीं, ट्राई करते हैं इसे। और ये जो है 3D लुक जो है अब हमारे फ्लावर का आ गया है। सो इसमें जो है मैंने नीचे की तरफ भी थोड़ी शेडिंग कर दी है ताकि थोड़ा सा लुक जो है वो प्यारा सा हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है हिबिस्कस फ्लावर की अच्छी लगी हो। कि अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी पेंटिंग के साथ या फिर ड्राइंग के साथ। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।